मिस्र के हालात ना मुसाइद थे। अमरयास वहाँ हुकूमत की गरज से एक लश्कर लेकर रवाना हुआ। मोहम्मद इब्न अबी बकर ने अमरयास के लश्कर से मुकाबला करने के लिए मरकजी हुकूमत से मदद मांगी, लेकिन अफसोस इस बार फिर अहले कूफा ने बेवफाई की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरपेची की। हज़रत अली जानते थे कि अमरयास का मुकाबला मालिक अश्तर जैसा इंसान ही कर सकता है, लिहाजा उन्हें वहां का हाकिम बनाकर रवाना किया। लेकिन अमरयास की एक साजिश ने हज़रत अली के इस पाक तीनत सरदार को मिस्र पहुंचने से पहले ख़त्म कर दिया। मोहम्मद इबन अबी बकर को मालिक का मिस्र भेजा जाना महसूस हुआ तो हज़रत ने एक ख़त के ज़रिए फरमाया, मैंने सुना है कि मालिक के मिस्र भेजे जाने पर तुम्हें अफसोस हुआ है। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम्हें सुस्त और काहिल समझता हूँ और ना ही इसलिए कि तुमसे ज़्यादा काम की तवक्को रखता था। तुम्हें ऐसे मकाम की हुकूमत दूंगा जहाँ तुम्हारा काम यहाँ से आसान हो। हमने जिस मर्द मोमिन को मिस्र रवाना किया वो हमारी मसलहतों को ज़्यादा समझता था और दुश्मन के लिए एक बरहना तलवार था, खुदा उस पर रहमत नाजिल करे। मोहम्मद दुश्मन की तरफ रवाना हो जाओ, बसीरत से काम लो और जंग की तैयारी मुकम्मल रखो। मोहम्मद इब्न अबी बकर नामुनासिब हालात के बावजूद अमरयास के लश्कर से मुकाबला करते हैं और इंतहाई शुजाआना जंग के बाद शहीद कर दिए गए। उनके जनाजे को एक गधे की खाल में डालकर आग लगा दी गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस नागवार खबर को सुनकर कई बार खुतबा दिया और अहले कूफा से बार बार शिकवे किए, मैं अब ऐसे लोगों का अमीर हूँ कि जिन्हें हुक्म देता हूँ और बुलाता हूँ तो मेरा जवाब नहीं देते। ऐ अहद शिकन लोगों, किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्यों अपने दीन की मदद नहीं करते? तुम्हारा दीन कहाँ चला गया? तुम्हारी गैरत कहाँ गई जिससे तुम्हें कोई एहसास हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे ही भाइयों की मदद के लिए बुलाया तो ऐसे ऊंट की तरह आहो फुगां करने लगे जिसके सीने में दर्द हो और कमर पर जख्म, और मेरी आवाज पर टस से मस न हुए। ऐ मर्दनुमा बुज़दिल लोगों, वाय हो तुम पर, लानत हो तुम लोगों पर, काश अली ने तुमको ना देखा होता, काश अली तुमको ना पहचानते होते। बेगैरती का सबूत तुमने दे दिया, आंखें खोलो, अली चले गए। चले गए तो चले गए, एहानत पर एहानत। उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते जिन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं और हर बात पर तहकीर हो रही है? क्या चाहते हो? अली ने सरजनिश के अलावा कोई और बात की? अहले कूफा आज तक तबल की आवाज पर नाचे हैं, इतनी जाने देकर थक चुके हैं। दुश्मन ने शहर अंबार पर कब्जा कर लिया है, भला से अंबार के बाद कूफे की नौबत है, जाए जहन्नम। ये लोग चाहते हैं कि चंद रोज खूनो शमशीर से दूर रहें और अपनी जहनी थकान को दूर करें, इन्हें आराम से क्यों नहीं रहने देते? जरा बाहर निकल के देखो, तुम शाम की बूढ़ी औरतों का मुकाबला तक नहीं कर सकते। मस्जिदों मेहराब की हुरमत इस बात की माने हुई कि अली तुम्हारे वाकई चेहरे को बेनकाब कर दे। अब मैं उसे बयान करता हूं, अपने अकनामों पर तजदीद नजर करो, अपने अहदनामों को दोबारा देखो। अरब अपने खून के साथ बैत करता है, तुम अपने कौन से वादे पर कायम रहे? कूफे को दुश्मन के हमले का खतरा लाहक है और तुम सफेद दाढ़ी वाले रंगीन मिजाज अपने आराम और आसाइश की बातें करते हो। माविया के सिपाही हक रखते हैं कि तुम जैसों के जो खामखां के मोतबर बने बैठे हो फतवों के बगैर तुम्हारे घरों में घुसाएं और तुम्हारी औरतों के पकाए हुए खानों को तलखोशीरी करें।
طرف لشکر شام کا عراق کے مختلف شہروں پر قبضہ اور دوسری جانب امام کا بار بار خطبہ دینا سبب ہوا کہ ہزاروں رنگوں والے شیوخ اہل کوفہ کے کچھ خفتہ دل بیدار ہوئے۔ کوفیوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سرداری میں نخیلہ میں لشکر منظم کیا اور بظاہر بہت سنجیدگی سے ارادہ کیا کہ اس بار سپاہ شام کو تہس نہس کر دیں گے۔ ادھر معاویہ کو اہل کوفہ سے کوئی خوف نہ تھا، بلکہ وہ انہی ایام میں خلافت کو خاندان بنی امیہ کی میراث بنانے کا سوچ رہا تھا اور یزید کی بیعت کا ماحول بنا رہا تھا۔ گویا وہ مطمئن تھا کہ اہل کوفہ کی علی کے ساتھ یہ بیعت کوئی اثر نہیں دکھائے گی۔ ادھر کوفہ نئے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ ارے وہ سعدون کی سلطنت کو توڑنے شیر کا دل چاہیے، کون ہو تم؟ بتاؤ کون ہو تم؟ مہمان ہوں۔ ہوں مہمان؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ میں کوفے میں مسافر ہوں، یہاں کسی کو بگو من باغی۔ اندھے ہو جو کوفے میں خدا کو نہیں دیکھا؟ خدا کو کیا تمہیں بس اتنا ہی سکھایا گیا ہے کہ ہاتھ دھو کر سزا کے خوف سے رکوع و سجود میں چلے جایا کرو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ میدانی مجھے ہاتھ دھونا ہے، چلو پانی ڈالو، چلو ڈالو۔ چلو جلدی کرو، چولہا جلا دو، جاؤ۔ جب اسے دیکھو گے تو
तो तुम्हारे रुकू और सुजूद एक शरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक हालत में बदल जाएंगे। तुमने उनको देखा है? नहीं, मेरा एक दोस्त है जिसने उसे देखा है। वो कौन है? तुम उसे देखोगे। आओ आओ बैठो, आओ बैठो। लगता है तुम वाकई भूखे हो। मेरी कठड़ी में रोटी और खजूरें हैं, ले आऊं? नहीं, वो अभी आने वाला होगा। इसकी खुशबू तो सुबह अर्श की खुशबू को नहीं पहचानते? मैं नहीं पहचानता हूं। खलीफा थे? नहीं, मेरा दोस्त फातेह खैबर। तुम अपनी नजरों के पीछे क्या छुपा रहे हो? तुम ये समझते हो कि एक लुकमे की खातिर मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं? हुँ? देखो मेरे बाजुओं को, अभी भी इनसे मैं पत्थर की रोटी बना सकता हूं। ये रोटी तो सिर्फ उस नूरानी हस्ती की जियारत का बहाना है। बाज औकात घंटों बैठ कर वो मेरी बातों को सुनता है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सोच रहा था। अगर उस काबिल है तो जरूर उससे मुलाकात होगी। यकीनन। ये कौन? झोपड़ियों में क्या ढूंढ रही है ये लोमड़ी? मुर्गियां तो बड़े बड़े घरों के डरबे में मिलती हैं। इस खराबे में तुम्हें चिपकलियों के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। अफजल शयातीन। आ जाओ। तू कम मरेगा ऐ मोटे। तुमसे पहले नहीं मरूंगा शेख, क्योंकि मैं लंबे लंबे ख्वाब नहीं देखता। क्या लेने आए हो? अरबों की इज्जत बचाने आया हूं, ताकि इस मुसाफिर को अपने घर ले जाऊं, कहीं से एहसास ना हो कि अहले कूफा मेहमानों की कदर नहीं करते। चले। कहां? मेरे घर भाई। हम अभी नहीं मरे कि हमारे मुसाफिर भाई खराबों में रात बसर करें। उठो जाओ। माफी चाहता हूं। चलो जाओ। तू बहुत जल्द एक बदतरीन काम अंजाम देने वाला है। क्या कहा? चलो, बकवास कर रहा है। Thank you.
दिया किसको? अली को। अली को मर्डर हो इब्ने मुलजिम। मैं और कंदा के हजार अफराद यहां रहते हैं। तुमने अपने दोस्तों से जो अहद बांधा है उस पर वफादार रहो। कौन सा अहद? नींद में बड़बड़ाना, उल्टे उल्टे ख्वाब, परेशानियां। तुम एक मुद्दत से मेरे मेहमान हो, लेकिन एक भी रात तुम चैन से नहीं सोए। बेदारी में तुम मुझे अपना हमराज नहीं जाना, लेकिन इनमें सब कुछ बता दिया। तुम तीन अफराद ने काबे में कसम खाई है, कैन लैलतुल कद्र में अली, अमरियास और माविया को कत्ल कर दोगे। तब तो तुम जानते हो। एक मुद्दत से मुझे मेरा ये ख्याल नासूर की तरह खा रहा है, मेरा सुकून छीन लिया है। कभी एहसास होता है कि पूरी दुनिया मिलकर मेरा पीछा कर रही है। मेरी मदद करो अशास, मैं अली को नहीं मार सकता। सफर की थकान की वजह से? सफर की थकान, दरबदर होने का खौफ, बेकार बातों पर यकीन और हमेशा की पशेमानी। उस रात को जो बुढ़ा मिला था, जानते हो उसने क्या कहा था? सादून, उसने कहा था बहुत जल्दी एक बड़ा काम करोगे। नेहरवान से पहले बैतुल माल से अपना हिस्सा लेने के लिए अली के पास गया था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, किस कबीले से हो? फिर एक हदीस सुनाई जिसका मतलब उस वक्त नहीं समझ सका। शकी तरीन इंसान वो है जो अली की दाढ़ी उसके खून से रंगीन करेगा। मैं अब्दुल रहमान, एक गरीब और मिस्कीन अरब, तारीख का शकी तरीन इंसान बनने जा रहा हूं अशास। हुर्मत कलाम की वजह से हर हदीस मोहतरम है और सुनना भी चाहिए। मेरी एक फूफी है जिसकी बातें इंजील की आयात के बराबर हैं, लेकिन क्योंकि वो मशहूर नहीं है इसलिए कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। ये तर्दीद खौफ की वजह से है इब्ने मुलजिम। कैसा खौफ? छोड़ो, बाद में बात करते हैं, थोड़ा सो लो तो सुकून मिल जाएगा। Thank you.
अली आटे की इन तीन बोरियों की सूरत में तीन मर्दों का खूब बहा देना चाहते हैं। रुक जा, चुड़ैल, संदिल, मनहूस, तू जब से दुनिया में आई इस घर में नहुसत लेकर आई है। भूखी हो तो गाय की तरह हल चलाओ, अपनी मेहनत की खाओ। जब तक खुदाम जिंदा है अली के बैतुल माल का आटा इस घर में नहीं आएगा। क्या चीज किसके बदले लूं? कौम और कबीले को दो बोरियों के बदले बेच दूं? गम का साल है हम अकेली औरतें, कोई कौम और कबीला अच्छी हालत में नहीं है, हम क्या करें? बच्चों पर तू रहम कर। ये तुम्हारा हिस्सा है, लो खा लो, खाओ, आओ खा लो। बच्चे अपने बाप का सर खाएं, तुम माँ हो, बैतुल माल की भीख के बजाय नहरवान की लोरियां सुनाओ, आबो दाने के बजाय उन्हें इंतकाम लेना सिखाओ। तू खून की प्यासी है, मैं नहीं, मैं मोहब्बत की प्यासी हूँ। इस दोजख का दरवाजा हमेशा खुला है, अगर खुश नहीं हो तो अपने बाप के मक्खी और मच्छर भरे हुए घर चली जाओ। ऐसा न कर, आग मत लगा, इस दोजख में इस नेमत को आग न लगा। ए खुदा हमारी किस्मत को देख, कल भी आग, आज भी आग में, हम तेरा शुक्र क्यों करें खुदा। कुफरामेज बातें मत करो बेटी, गिरियाजारी भी भूख की तरह आदमी को मार डालती है। उताम कौम तीम और रुबा की सोगवार है, अब आकुताम कोई मामूली आदमी नहीं। उताम, फिर से जिन देख कर आ गई हो। तोता चश्मा हमसे क्या चाहता है? तुमसे कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं जो डरूं, मुझे तुम पर तरस आता है। कुफा बुरे लोगों से भरा है, ये तुमसे क्या चाहत? बस करो, गीबत और शैतानत करना है तो जाके पड़ोस की बेवा औरतों से बातें करो। मैं क्यों, ना मैंने रोया है ना चिल्लाया है। हाँ हाँ देखा, शाबाश, तुम मेरी एक खाला में बहुत मिलती हो, जाओ उसे अंदर आने का कहो। वो लोमड़ी सिफत बूढ़ा आदमी कोई गैर नहीं है भतीजी, दुरूद हो तुझ पर, दुख्तरे कूफा खुशियों की मलिका और गमों की शहजादी। दुरूद हो कूफे के हजारों रुख बदलते सिक्के पर। मुझे ताज्जुब है कि तुम हजारों जंगों में गए मगर बगैर कोई जख्म खाए सही और सालम वापस आ गए। मेरा दिल हजार जंगों के जख्मों से पारा पारा है बेटी, मैं कूफे में किसी को अपना महरम राज नहीं समझता सिवाय तुम्हारे गुदाम। ये क्या कर रही हो? देख तो रहे हो, अपनी जिंदगी के लहजात का एक एक करके सर खलम कर रही हूँ। देखा है, जिस वक्त तुम अली की दी हुई आटे की बोरियों को आग लगा रही थी मैं वहीं खड़ा था, ये मंजर जंगे जमल से कम नहीं था। तुम तारीख की बेटी हो कुताम, एक एक लम्हा तुम्हारा बड़ा कीमती है, उसे जाय ना जाने दो। ये आवाज किसी बड़े घराने के अमीर की लगती है, बताओ मुझे किस दरबार में हाजिर होना होगा? इस दरबार में भी तुम्हारा दिल चाहे भतीजी। अच्छा सुन लो अम्मू, मैं एक सीधी सादी और तन्हा लड़की हूँ, कूफे के तमाम बुजुर्गों और महफिल को एक लहजे के बदले बेच सकती हूँ कि जिस लहजे में मेरा बाप लौट कर आ जाए अपनी उन्हीं मुनाजात के साथ,
उसी तेज खुशबू वाले अत्र और दस्तार के साथ सारे महलों के जवाहरात उस एक लहजे के लिए दे सकती हूँ जिसमें मेरी माँ भी आ जाए, ताकि उसके शाने पर सर रख कर अपनी 20 साल जिंदगी पर गिरिया करूँ। मैं अपने उन सादा लौ भाइयों को भी चाहती हूँ ताकि उन्हें दोबारा सता सकूं। मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो गई। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसे खराब मत करो। लानत हो कूफे पर, लानत हो तुम्हारे अजीजों के कातिलों पर, लानत हो झूठ पर, लानत हो रियाकारी पर। तुम जैसे नाजुक दिल बुजुर्ग नहरवान में फकर कर रहे थे कि अली की रकाब में जिहाद करोगे, और आज फिर से एक नई जंग के लिए जीन कस रहे हो। मैं जरूर तुम्हारा इंतकाम लूंगा कुताम। मेरा इंतकाम लोगे? किस से? अली से। अली से? मैं इस सरजमीन पर किसी को नहीं जानती जिसकी हिम्मत और बुलंदी अली जैसी हो। तुम अगर निगाह कर दो तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे कुताम। मुबालगा कर रहे हो शेख, मैं इतनी ज्यादा भी खूबसूरत नहीं हूं। 14 साल की उम्र में एक दिन मैं अपनी नाक काटने लगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी नाक बहुत बदनुमा थी। इब्ने मुलजिम नामी शख्स को लाऊंगा जो इसी नाक को नक्शे का दीवाना हो जाएगा और नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। इब्ने मुलजिम कबीले मुराद से है और नहरवान का जख्मी है। अली के कत्ल के इरादे से कूफे आया था, लेकिन नहीं मालूम क्यों अपने इरादे से फिर गया। ठीक है, देखने के काबिल है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरा आशिक हो जाए, बल्कि देखो उसके सीने में कितना बड़ा दिल है। ये 3 अफराद हैं। इन लोगों ने काबे में कसम खाई है कि शब कद्र की सुबह होते ही एक साथ माविया, अली और अमरियाज का कत्ल कर दें। जरा हिम्मत करो कुताम, अली के अदल को कूफा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसे ले आओ। बड़ी मेहरबानी। कहीं सुना है जब शैतान जवान लड़कियों के हाथों का बोसा लेता है तो उस बोसे की जगह से खून और पीप बहने लगती है। हमें कुछ बोरियां आटे की भी चाहिए। आज ही रात को पहुंच जाएंगे। इब्ने मुलजिम, औरतों के बारे में क्या ख्याल रखते हो? भी इस बारे में नहीं सोचा। तो अब तक सोचा ही नहीं, या सोचना ही नहीं चाहते? नहीं, या खुदा या औरत, दोनों के बारे में एक वक्त में नहीं सोचा जा सकता। तलाकशुदा हो? नहीं, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। बस तो यही वजह है कि तन्हा हो? हाँ, तन्हा हूं, बहुत तन्हा हूं। तन्हा इंसान एक मुतहरिक मुर्दे की मानिंद होता है और डरपोक। तुम्हारी परेशानी डर की वजह से है? मैं एक ऐसी हकीमा को जानता हूं कि अगर वो मुर्दे को भी देख ले तो जिंदा हो जाए। चलोगे उसके पास खुद को दिखाने? औरत के पास नहीं। कुफरा में इस बातें मत करो, मैं और तुम दौर तो क्या आगोश पे बड़े हुए हैं। औरत के पास रहकर खुद को महफूज रखो, जब कमाल है मोमिन। किसी पैगंबर को जानते हो जो औरत से नफरत करता हो? कुफरान नियामत खुदावंद मासियत है या नहीं? इस गुफ्तगू से तुम्हारी क्या मुराद है? अपनी रूहानी बीमारी का इलाज नहीं कराओगे? मेरी बीमारी जिक्र खुदा से अच्छी होगी।
अब तुम घर बदल दो। यहां ना जाना ज्यादा है, तुम्हारे लिए एक महफूज जगह तलाश की है। कबीले तीमरुबा की एक लड़की के घर जाएंगे जिसका नाम कुताम है। वो मरहूम अबा कुताम की बेटी है। अबा कुताम एक बेमिसाल आदमी था। वो मेरे और अपने खुदा का एक अच्छा दोस्त था। कुताम सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो एक गौहर है जो 3 शहीदों की अमानत है। अगर अपने ईमान का बहुत ख्याल है तो उसके लिए भाई बनकर रहो। लिबास बदल लो इब्ने मुल्जिम, कुताम इंतजार कर रही होगी। खुदा पर यकीन है, जरूर चलूंगा। डरो मत, जल्दी आ जाओ। तलवार उठा रखी है भतीजी। जिस घर में मर्द ना हो वो ना अमन हुआ करता है। अमू इब्ने मुल्जी में मुरादी, आ जाइए। चलो अंदर चलो। गर्दन झुका रखी है मुरादी, इस घर में कोई नामहरम नहीं है। कुताम तन्हा ही तो मर्द है पूरे कूफे में। इन्हें जिक्र करने दो अशियस, ये नहरवान के लोग ज्यादातर मुस्तहबात में मशगूल रहते हैं। क्या हुआ मुरादी, जमीन में आंखें क्यों गाड़ दी हैं? वो तो गई। खुदा की पनाह, क्या आंखें हैं इसकी, मैं तो दीवाना हो जाऊंगा। डरता हूं कहीं मेरा ईमान साए ना हो जाए। समलो मुरादी, बईद है कि नहरवान वाले लोग एक लड़की की आंखों से घबरा जाएं। तुम्हें शैतान बहका रहा है। ये घर मेरे लिए अच्छा नहीं है आशा, चलो वापस चलें। इब्ने मुल्जिम, मेरे घर में रहोगे तो सब तुम्हारे इरादे से आगाह हो जाएंगे। काम तमाम कर दिया है साहिरा।
जान आवाज बिछा दी है। मैं नमाज पढ़ चुका हूँ। समझी थी कि नहरवानियों की तरह तुम्हें भी नमाज शब की आदत होगी। जी जी हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था, नमाज शब जरूर पढ़ूंगा। पानी, गुलाब और मिसवाक हाजिर है। किससे फरार कर रहा है खौमे मुराद के कमबख्त? क्या तूने नहीं सुना, ये सियाह आंख वाली लड़की खुदा की भी रकीब है। मैंने तेरी रूह को अपनी खुमार आलूदा आंखों के जादू से तस्खीर कर लिया है। अब तेरी जान का तायर मेरे इशारे पर परवाज करेगा। तू अब खुदा का नहीं, मेरा बंदा है। खामखा हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं। मेरी बड़ी उम्मीदें तेरी तलवार की ताकत से वाबस्ता हैं, जो शब-ए-क़द्र की सुबह चलेगी।